हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। काफ़ी दिनों के बाद, एक लंबे गैप के बाद क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने जो है अपनी जो जर्नी थी उसको कम्प्लीट किया। और आप लोगों को बहुत मिस किया, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी क्लास को बहुत मिस किया होगा। और बहुत सारे मैसेजेस आए आपके इस बीच में कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, गुरुजी आप तो ईद के चांद हो गए हैं। बिल्कुल ईद के चांद नहीं हुए हैं, अभी आपके सामने हैं, क्लास में बिल्कुल लाइव हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है तो कुछ टाइम के लिए हमें वहाँ से निकल लेना चाहिए, थोड़ा घूम के आना चाहिए। घूमना बहुत ज़रूरी है। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, राहुल सांकृत्यान की है ना, और घूमने को लेकर उन्होंने कुछ लिखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस चैप्टर का नाम। तो राहुल सांकृत्यान की एक कहानी है घूमने को लेकर, है ना। तो घूमना बहुत ज़रूरी होता है, इससे माइंड को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, काफ़ी अच्छा फील करते हैं आप जब आप घूम कर आते हैं और फिर एक नई एनर्जी के साथ काम को शुरू करते हैं। तो एक नई एनर्जी के साथ काम को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद विशु बाबू, अरशद बाबू देवरिया से बहुत स्वागत है आपका। बहुत मिस किया है सौम्य, आपको भी, सभी बच्चों को बहुत मिस किया। मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर था, वैष्णो देवी गया हुआ था और वहाँ मेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, तो इसकी वजह से किसी भी बच्चे का फ़ोन नहीं आ पा रहा था। मैसेजेस बहुत सारे बच्चों के आए थे, ठीक है। जय माता दी, बिल्कुल। और एप्लीकेशन पर भी क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। वालेकुम सलाम। चलिए, जो लोग जहाँ से हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक कब आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आ जाइए। अथातो गुमक्कड़ो जिज्ञासा, ऐसे करके चैप्टर है, देखिए निशांत बाबू ने बताया, निशांत पांडे ने। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, काफ़ी दिनों के बाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। उम्मीद करता हूँ कि इन छुट्टियों में ये जो गैप आपको मिला था उसमें कुछ आपने बैकलॉग कवर किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने कवर किया, कमेंट से मुझे पता चल रहा था, वीडियोस पे जो कमेंट आ रहे थे पुराने वीडियोस पे कि सर ये वाली क्लास मैंने कर ली या ये मैंने ग्रामर का सेक्शन कवर कर लिया। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने ये सारी चीज़ें कवर की होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको बता दूँ, केवल 65 में। मुझे लगता है 65 रुपीज़ में आपको कहीं पे भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, उपलब्ध नहीं होगी जो चीज़ें आपको दी गई हैं। हालांकि अभी इसमें एक अपडेट बाकी है, जैसे ही वो अपडेट होगा, जो कि इस अभी 10 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, आज आपकी 10 तारीख है ना, तो 20-22 के बीच में एक अपडेट होगा और ये कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक। अभी केवल फ्लेमिंगो और विस्टास दिया है, जिन लोगों ने भी लिया होगा अभी तक। आ गया है क्वेश्चन बैंक, आपको दिख रहा है, जिसको भी कोई दिक्कत हो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कि सर मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। प्ले स्टोर पे है, रविकांत मणि त्रिपाठी प्ले स्टोर है, वहाँ पे आप जाइए, आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। समीर अंसारी, जिनको भी घर पे चाहिए क्वेश्चन बैंक वो थोड़ा वेट करें, 10 दिन के बजाय 15 दिन का वेट करें और मुझे अपना एड्रेस बता देंगे इस नंबर पे। अगर मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा कि आपको कुछ कोरियर चार्ज लेकर भेज दूंगा, अगर हो पाएगा तो, ठीक। और जिन लोगों ने भी लिया है क्वेश्चन बैंक, मैं ये एकदम यकीन के साथ कह रहा हूं, आप फ्लेमिंगो और विस्टास पढ़िए, क्या गजब आपको सीरीज दिखेगी हर एक क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, किस सेट में आया है, क्यों वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हर एक उस क्वेश्चंस में। देखिए फीचर्स यही है श्रद्धा त्रिपाठी, कि आपको प्रीवियस 2 ईयर के पूरे सेट्स मिलेंगे इसमें, एक एरर एकदम मिनिमम है, किसी और क्वेश्चन बैंक के कंपैरिजन में एरर बिल्कुल मिनिमम है। प्राइस आपको हाफ मिलेगा किसी और क्वेश्चन बैंक के, या 1/3 कह सकते हो, आपको और कहीं पे प्राइस 100 रुपीज़ होगा, 120 रुपीज़ होगा, यहाँ पे प्राइस 65 रुपीज़ है। पेजेस बहुत कम है, मात्र आपको 15 पेजेस में फ्लेमिंगो और विस्टास पूरा कवर कराया गया है, 15 पेजेस में। चलिए 3-4 पेजेस और मान लेते हैं थोड़े पोएट्री सेक्शन के, तो 18 पेजेस में आपको पूरा फ्लेमिंगो और विस्टास कवर कराया गया है।
इसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर है इसमें, सर आप किसी भी टाइम इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर आपके इस क्वेश्चन बैंक में इस पेज पे इस क्वेश्चन पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये सबसे बड़ा फीचर है। मैं बहुत अच्छा हूं, कोई लेट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक, सेल्फ स्टडी के बारे में बात करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है आपके लिए, आपके लिए एक एक गिफ्ट है ये। ठीक, हाँ जब आप चाहें तब लीजिए, अपडेट हो जाए तब ले लीजिएगा, जब आपकी इच्छा हो तब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम यादव, होम डिलीवरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, इफ़ पॉसिबल, अगर मुझसे पॉसिबल हो पाया कि वहाँ तक चला जाएगा भाई कम चार्जेस में। पता चला 65 रुपये की बुक है और 50 रुपये से ज़्यादा कुरियर चार्ज लग रहा है, 100 रुपये कुरियर चार्ज लग रहा है, तो मैं कैसे भेज पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा, अगर एड्रेस पास का होगा, जैसे लखनऊ तक का है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गोरखपुर है, लखनऊ है, बस्ती है, इस तरह का कोई एरिया है तो बहुत आसानी से मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेकर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो बाई करने पे कुछ ऑफर होगा? मिलेगा, अभी वेट करिए, अभी पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर कॉम्बो में देखते हैं, कुछ ऑफर होता है तो बनाएंगे। श्रद्धा त्रिपाठी, इस जगह पे आप मैसेज कर दीजिएगा 8317071156 पे। रोहित कुमार, बहुत बहुत स्वागत है अगर पहला दिन है तो। ठीक है, अयोध्या से है, प्रयागराज से है, बिल्कुल। चलिए अब आज की क्लास पे हम आ जाते हैं। इसके लिए वेट करिए, अभी देखिए सबसे पहले तो वेट करिए, वो जो अपडेट इसमें बची हुई है एक अपडेट हो जाए, वो 10 दिन में हो जाएगी, 20 से 22 तारीख के बीच में एक अपडेट हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको मैं 26 या 27 तारीख में बताऊंगा कि क्या है होम डिलीवरी के चांसेस, बट आई विल रिकमेंड, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेज कर लो, अगर आपके पास पॉसिबल है भाई थोड़ा सा सस्ते में हो जाए तो करा लो, नहीं तो फिर बाकी बाद में देखते हैं। ठीक, हाँ आयुष करण ने हाफ ईयरली का पेपर भेजा था, थर्सडे को हाफ ईयरली वाला पेपर सॉल्व कराऊंगा, परसों जो लिटरेचर सेक्शन है थर्सडे को हाफ ईयरली का लिटरेचर सेक्शन कराऊंगा। आयुष कर्ण ने अपना हाफ ईयरली का पेपर दिया है, नहीं अपडेट के लिए दोबारा पे नहीं करना होगा, वंस यू हैव पेड द अमाउंट, एक बार आपने अमाउंट पेड कर दिया है तो फिर आपको कोई दोबारा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं रोहित कुमार, आप पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा मुश्किल है, शाहजहांपुर बहुत बहुत दूर पड़ जाता है यहां से, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर के लिए मंगा रहा है तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम 5 कॉपी 6 कॉपी वो ऑर्डर करे, तब जाके वहां तक मैं भेज पाऊंगा। आजमगढ़ में भी यही ऑप्शन है, चला जाएगा बिल्कुल, हर जगह जा सकता है। अब लीजिए मैं आपको एक और अपडेट दे रहा हूं कि हर जगह मैं भेजने की कोशिश कर सकता हूं, ये मेरा प्रयास है, अभी तक ये ऑनलाइन था, ये मेरी इच्छा है कि मैं ऑफलाइन बच्चों तक पहुंचा पाऊं, ये मैं अपना पर्सनली विश जो है वो बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे के पास ये ऑफलाइन में भेज पाऊं, क्योंकि जब वो बच्चा मार्केट में जा रहा है प्रिंट आउट कराने तो शायद चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं ये ऑफलाइन भेज पाऊं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चाह रहे हो तो भाई थोड़ा बल्क में ऑर्डर दो, मेरे पास 5-7 ऑर्डर दो, ताकि मैं वो कुरियर चार्जेस कम कर पाऊं और आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, चलिए सर, सीरीज और इसमें क्या डिफरेंस है? बेटा सीरीज उरीज कोई मैच नहीं करेगा इसके आगे, कोई सीरीज कोई क्वेश्चन बैंक इस क्वेश्चन बैंक के आगे मैच नहीं करेगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, कहीं से भी मिला लेना। आ सकता है मिर्जापुर, चलिए आइए अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो क्लास है वो होगा डीप वाटर पे, वन शॉट जो रिवीजन हम करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, डीप वाटर पे। डीप वाटर जो चैप्टर है इसको हम कवर करने वाले हैं, विलियम डगलस ने इस चैप्टर को लिखा है, ये जो चैप्टर है वो विलियम डगलस की है, उनकी एक किताब थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक एक्सर्प्ट है, एक भाग है। क्या है ये डीप वाटर की कहानी, तो आपको पहले थोड़ा समझाता हूँ और फिर लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कोई बच्चा जो मुझसे कुछ दिनों से जुड़ा हुआ है, पिछले 30 दिनों से या 30 से ज्यादा दिनों से जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, उसे निश्चित तौर पर बहुत बेहतर फील हो रहा होगा धीरे धीरे। जिन बच्चों ने 2 से 3 महीने से क्लासेस ले रखी होंगी
उन्हें तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा विश्वास हो गया होगा इस लिटरेचर सेक्शन में भी। ग्रामर मैंने टच नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं टच किया है, बट आई प्रॉमिस कि वंस आई स्टार्ट ग्रामर, एक बार जब मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगा, यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस। आप वो कॉन्फिडेंस को फील करोगे जो आपको चाहिए, दैट यू नीड, जो इसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल 90% ला सकते हैं, बिल्कुल। आइए आकाश गौर, बिल्कुल स्वागत है। चलिए तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अब मैं डीप वाटर की एक छोटी सी पहले समरी आपको समझाता हूँ कि डीप वाटर की समरी क्या है, ठीक है, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, चलिए आ जाइए, प्लीज कमेंट को रोकिएगा। डीप वाटर की अगर बात की जाए तो ये जो डीप वाटर चैप्टर है बेटा, प्लीज प्लीज कोई भी कमेंट नहीं करेगा। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी बच्चा कोई कमेंट में बातचीत नहीं करेगा, आप मुझे सुनते जाइए बस। केवल डीप वाटर चैप्टर है, इसको किसने लिखा है? विलियम डगलस ने। एक्चुअल में ये विलियम डगलस की ही कहानी है। विलियम डगलस ये बताते हैं कि कैसे जो वाटर का फियर है, फियर ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं फियर ऑफ वाटर को? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब ही होता है डर। तो जो इनके अंदर फियर ऑफ वाटर है वो कैसे शुरू हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कहानी का अगर पहला पड़ाव देखें, पहला पार्ट देखें, तो व्हेन विलियम डगलस वॉज 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के थे, तो एक इनके साथ घटना हुई, और वो ये थी कि अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर थे, वहाँ बड़ी बड़ी लहरें थी, उन लहरों ने विलियम डगलस को दबा दिया। अच्छा, फादर को पता था कि मेरे साथ बच्चा है, वो डूबेगा थोड़ी ना, लेकिन बच्चा तो छोटा था, 3-4 साल का था, तो उसके अंदर वो लहरों का डर आ गया, वो जो लहरें उसको दबाई उन लहरों का डर आ गया, और ये डर बहुत समय तक बना रहा। ये कहानी का पहला पार्ट है, मैं आपको फिर समझाता हूँ, प्लीज कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। कि जब विलियम डगलस 3 या 4 साल के थे, तो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच में सर्फिंग कर रहे थे, लहरों पे सर्फिंग कर रहे थे, और तभी कुछ लहरों ने उनको दबा दिया, और वो जब लहरों ने उनको दबाया तो वो पूरी तरह से पानी में डूब गए, और उसकी वजह से वो जो पानी का डर था करीब 10 सालों तक उनके अंदर रहा। कहानी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जब वो 10 साल के होते हैं लगभग, when he was 10 years old, तो वो डिसाइड करते हैं कि यार अब मैं स्विमिंग सीखूंगा, तभी ये डर खत्म होगा। और YMCA पूल होता है एक, YMCA पूल याकिमा में, ये इनको सबसे सही लगता है, सबसे सेफ लगता है। हालांकि इनकी माँ बार बार वार्न करती हैं कि देखो यार ये जो याकिमा रिवर है बहुत ट्रेचरस है, इसमें दिक्कत हो सकती है, बट ये नहीं मानते, ये डिसाइड करते नहीं, YMCA पूल सेफ था, और ये इस पूल में जाना चाहते हैं। फाइनली इन्होंने पूल में एडमिशन ले भी लिया, और बकायदा इस पूल का डिस्क्रिप्शन करते हैं, और कह रहे हैं कि ये जो पूल था एक तरफ 3 फीट था और दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था, और 2 या 3 दिन हुए थे, 2 या 3 दिन ये पूल में जाते थे, वाटर विंग्स लगाते थे, वाटर विंग्स होता है अपने हाथों में लगा लीजिए तो आप डूबोगे नहीं, ठीक है, और वाटर विंग्स लगाकर ये पानी में छपा के पैडल करते थे, पैडल मतलब छपा के करते थे। ये कहानी का सेकेंड पार्ट हो गया। अब कहानी के थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं। तो कहानी का थर्ड पार्ट ये है, जो कि सबसे अच्छा पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दिन ये इसी पूल पर, ये जो 3 और 9 फीट वाला पूल है, ठीक है, 3 और 9 फुट वाला पूल है, यहाँ अकेले होते हैं, ही वॉज अलोन, वहाँ कोई नहीं होता है, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर समबडी टू कम।
वो इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा क्योंकि अकेले थे। तभी एक 18 साल का बिग ब्रूसर बॉय, एक बदमाश लड़का आता है और वो विलियम डगलस को यहां से उठाकर डीप एंड में टॉस कर देता है, उछाल देता है। और सर यही कहानी शुरू होती है और यही कहानी को बनाती है। पहले दो पार्ट में ये देखा हमने कि जब वो 3-4 साल के थे तो कैलिफोर्निया बीच में एक दिक्कत हुई थी। 10 साल में उन्होंने YMCA पूल में जाना डिसाइड किया कि मैं YMCA पूल में जाऊंगा। और जब YMCA पूल में जाते हैं तो वो पूल का डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि 3 और 9 फीट होता है पूल। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। 2-4 दिन हुए थे, एक दिन अकेला बैठा था और तभी वहाँ पे एक 18 साल का बच्चा आया। जब एक दिन मैं पुल में अकेला बैठा वेट कर रहा था, मैं एज पे बैठा था कि कोई आएगा तब जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। वो बदमाश आया और उस बदमाश ने मुझे उठाकर डीप एंड में उछाल दिया। कहाँ उछाल दिया? डीप एंड में। अब जब मैं डीप एंड में गया, उसने जब मुझे डीप एंड में उछाला, तो वहां से मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। और ये स्ट्रेटजी आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। जब आपको पानी में उछाला जाएगा तो आप पानी में डूब रहे होगे तो आपकी एक ही स्ट्रेटजी होगी, एक ही स्ट्रेटजी। और वो स्ट्रेटजी ये होगी कि जब मैं पानी में नीचे जाऊंगा तो मैं जमीन पे पैर मारूंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर मैं थोड़ा ऐसे छपाका मारता हुआ पानी के बाहर चलाऊंगा। ये एक हर बच्चे की स्ट्रेटजी बनेगी जब भी वो पानी में डूब रहा होगा। विलियम डगलस यही सोचते हैं कि मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे एक हिट करूंगा और वापस हिट करके ऊपर आऊंगा, यहाँ पे लेट जाऊंगा और पैडल करता करता एज पे आ जाऊंगा, इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ पुल के आ जाऊंगा, कहीं से भी निकल के पुल के किनारे आ जाऊंगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विलियम डगलस की स्ट्रेटजी क्या थी। तो व्हाट वाज हिज स्ट्रेटजी? ही मेड अ स्ट्रेटजी दैट व्हेन हिज फिट हिट द बॉटम ऑफ द सरफेस ही वुड मेक अ गुड जंप, अ बिग जंप। वो एक अच्छी जंप लगाएंगे, कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, पूल के सरफेस पे आएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर लेट जाएंगे एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। सर ऐसा वो कई बार कोशिश करते हैं, लगभग 3 टाइम्स ऐसी कोशिश करते हैं वो, 3 टाइम्स। वो जो 9 फिट था वो 90 फिट लगने लगा था उनको, बट वो किसी भी बार ऐसा नहीं हुआ कि वो हिट करके ऊपर एज सरफेस तक चले आए हो। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत। ही ट्राइड टू कॉल हिज मदर, ही कॉल्ड फॉर हिज हेल्प, मतलब उन्होंने जितना प्रयास हो सकता था सब किया, बट सारा प्रयास उनका फेल हो गया। और फाइनली उनकी सांसें रुकने लगी थी, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वो ख़त्म हो रहे हैं। सब कुछ एक शांत सा माहौल बन रहा था और अगले पल उनको याद आता है कि कोई उनको निकाल कर ले आकर वो पुल के किनारे उनको लिटा दिया गया है। और पुल के किनारे जब उनको लिटाया गया है तो वो आदमी उस 18 साल के बच्चे को बोल रहा था, अबे गधे, मर गया होता बच्चा, लगभग जान चली गई थी। और वो 18 साल का बच्चा कह रहा है, अरे यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे क्या लगा कि इसकी ये हालत हो जाएगी। तो ये कहानी का चौथा पार्ट है। तीसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बड़े शॉर्ट में समझा दिया कि वो 3 बार ऐसी कोशिश करते हैं बट उनकी सांस चली जाती है। हिज आर्म्स डिड नॉट मूव, हिज लेग्स डिड नॉट मूव, ही ट्राइड टू कॉल हिज मदर, ही कॉल्ड फॉर हेल्प बट नोबडी हियर, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं होता है। और वो 9 फिट 90 फिट के बराबर हो जाता है, उनकी सांसें रुक जाती हैं, उनके लंग्स फटने को तैयार होते हैं, उनके पैर जो है डेड पड़ जाते हैं, एकदम मरे हुए पैरालाइज पत्थर की तरह, बट कुछ भी हो नहीं पाता है। और फाइनली अगले पल वो निकल आते हैं। अब जब देखिए इस बात को उन्होंने कहा कि ये एक मिस एडवेंचर था। ये क्या था? मिस एडवेंचर, दुर्घटना जो उनके साथ हो गई। जब वो यहां से निकलते हैं तो अब उनके दिमाग में, भाई आप अगर मान लीजिए कहीं इस तरह की घटना से बाहर आते हो तो वो दिमाग में एक गहरा चोट पहुंचाती है घटना। अब उस चोट से निकलना, इस घटना से निकलना बहुत मुश्किल था उनके लिए, बहुत मुश्किल था। फाइनली कुछ सालों तक के लिए वो बहुत डरे डरे से रहते हैं, बट ही फाउंड, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी जो स्विमिंग है, उनकी जो फिशिंग है, उनकी जो बोटिंग है, ये सारी एक्टिविटी उनसी खत्म हो गई है। बिकॉज ही हैड फियर ऑफ वाटर, उनके अंदर पानी का डर था, बहुत ज्यादा डर था भाई इस घटना के बाद, इस मिस एडवेंचर के बाद बहुत डर था। तो 1 अक्टूबर, कहानी का 5वां पार्ट,
वो डिसाइड करते हैं कि ही विल लर्न स्विमिंग। तो सर यहां पे भी तो स्विमिंग सीखना चाह रहे थे, नहीं, यहां पे ही विल लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो एक की आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो और एक आप मेरी हेल्प से ले रहे हो। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो उस समय आप डूब गए, तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि अब मैं एक टीचर पकड़ूंगा और टीचर के थ्रू सीखूंगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे एक इंस्ट्रक्टर के थ्रू। और फाइनली वो इंस्ट्रक्टर, भाई साहब क्या इंस्ट्रक्टर होता है, मतलब उसकी जो जिस तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि उसने एक रस्सी बांध दी और उनको पानी के बीच में ले जाके दो तीन बार ऐसे छोड़ दिया, वो पानी के अंदर गए, वो डर वापस आया, फिर उनको पानी के ऊपर खींच लिया, धीरे धीरे उनको फ्लोटिंग सिखाई, फिर उनको एक्सहेल करना, इनहेल करना पानी के अंदर मुंह डालकर, जितनी भी स्विमिंग के जो एक्सरसाइज होते हैं या जो तरीके होते हैं वो सारी सिखाई, फिर पैरों को किक करना सिखाया और बिट बाई बिट उसने सिखाया, एक बार में नहीं सिखाया। आप देखो इंग्लिश जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं समझता हूँ कि ये तरीका है इंग्लिश पढ़ाने का, मैं आपको बिट बाई बिट करता हूँ, वर्ब की फॉर्म कराता हूँ, फिर ट्रांसलेशन खूब कराता हूँ, खूब ट्रांसलेशन पे जोर देता हूँ। अभी एक ही बार ग्रामर आएगा ना, खटाक से ऊपर जाएगी गाड़ी, खटाक से आप एकदम शॉक्ड रह जाओगे कि ये क्या हुआ। लेकिन आप ये नहीं भूलोगे कि भैया पीछे सर ने ट्रांसलेशन के लिए इतनी बार कहा था, कम से कम 3 महीने से 2 महीने से 1 महीने से जब से आप जुड़े हो तब से कह रहा हूं कि बेटा ट्रांसलेशन सही कर लो, कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर दो, मैं हर बच्चे के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो बिट बाय बिट इनको स्विमर बना देते हैं और फाइनली ये स्विमर बन जाते हैं। पूल में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, जब ये पूल में अकेले तैरते हैं लगभग 7 महीने लगते हैं तो थोड़ा बहुत डर इनका वापस आता है, लेकिन वो डर फिर से खत्म हो जाता है, ये फाइनली उसको कॉन्कर कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे विलियम डगलस एक बहुत अच्छा लेसन देते हैं कि जब कोई काम खत्म करो तो पूरी तरह से खत्म करो, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो उस काम में। और वो ये बता रहे हैं यहाँ पे, वो स्विमिंग सीख लेते हैं सर, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो कहते हैं ना अभी मैं अपने आप को नहीं मानूंगा कि मुझे स्विमिंग आ रही है, मैं अपने आप को एक बार और टेस्ट करूंगा। और वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए सीधे पहुंच जाते हैं लेक वेंटवर्थ। सर ये कोई, जैसे हमारे यहाँ क्या है, गंगा है, यमुना है, घाघरा है ना, ब्रह्मपुत्र है, उसी तरह वहां अमेरिका में एक नदी है, एक झील है, लेक वेंटवर्थ, वहां पहुंच जाते हैं वो और उसी में छलांग लगा लेते हैं, 2 मील की दूरी कवर करते हैं। बीच में एक बार डर आता है और वो तरह तरह के स्ट्रोक हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, सारे स्ट्रोक मारते हैं उसमें, 2 मील की दूरी कवर करते हैं और एक बार वो डर आता है, लेकिन वो उस डर को चिढ़ाते हुए आगे निकल जाते हैं। सर यहां पे भी कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन उनके अंदर कुछ रेजिड्यूअल डाउट्स रह जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिड्यूअल डाउट्स? अवशेष, कुछ संदेह रह जाते हैं इतने के बाद। सोचिए इतने के बाद कोई बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, लेकिन कुछ संदेह रह जाते हैं और उसको खत्म करने के लिए वो वॉर्म लेक में जाते हैं, कोनार्ड मीडो से होकर वॉर्म लेक, और यहां पे वो कपड़े उतारते हैं और छलांग लगाते हैं और चिल्लाते हुए पार कर जाते हैं इस छोर से दूसरे छोर पर, और फिर फाइनली वो अपने इस वाटर के फियर को कॉन्कर कर लेते हैं। सर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है ये, बहुत ही ज्यादा। अगर आपके जिंदगी में किसी चीज का डर हो तो सर इस कहानी को पढ़िए और उसके पीछे लग जाइए, वो डर फाइनली खत्म होगा ही होगा, कोई भी चीज का डर हो, किसी भी चीज का। ये इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो फाइनली ये अपने पूरी तरह से जो डर है, पानी का डर है, उसको खत्म कर देते हैं और कहते भी हैं लास्ट में कि जितना कुछ हमारा डर होता है वो सिर्फ डर का ही होता है और कुछ नहीं होता है। All we have to fear is fear itself. जो भी हमें डर लगता है वो डर ही डर होता है, बस जैसे ही एक बार हमने डर को कॉन्कर किया, जीता, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको इंग्लिश से इतना डर लग रहा है, वो सिर्फ डर एक का हवा बना हुआ है। एक बार आप मेहनत कर दो, जिद पे आ जाओ, अड़ जाओ, सर 10 दिन लगेगा, ये पूरा डर खत्म हो जाएगा इंग्लिश का। ये फाइनली अपने डर को खत्म कर देते हैं। और एक 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 प्रोवर्ब है, कहते हैं कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह है वहीं राह है। अगर हम किसी चीज को चाह दें, सच्चे दिल से चाहें, तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। वही होता है विलियम डगलस के साथ और वही होगा आपके साथ, वही होगा मेरे साथ। अगर हम कोई चीज करना चाहें तो वो पॉसिबल है, वो होके रहेगी। आशा करता हूं कि आपको
इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो वो बता सकता है, फिर आगे का हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बताइए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो वो बता सकता है। कैसा लगा आपको ये पार्ट? कॉन्कर मतलब जीतना। वेलकम अंशी बेटा। इंग्लिश ग्रामर में डर लगता है तो जस्ट वेट कीजिए एक वीक का, 15 अक्टूबर से हम इंग्लिश ग्रामर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, हेमंत क्रिएटर, बस इस क्लास के बाद बना दूंगा प्लेलिस्ट, प्रॉमिस। जैसे ही क्लास खत्म होगी प्लेलिस्ट बन जाएगी। और किसी को कोई दिक्कत? पूरी कहानी क्लियर हो गई? अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप मेरी हर क्लास को कवर कर रहे हो आपका बहुत सारा समय बचेगा। हर्षित कह रहे सर नहीं समझ में आया अभी भी, बहुत अफसोस है हर्षित, ऐसा कैसे हो गया कि आपको नहीं समझ में आया, है ना? ये बहुत अफसोस है मुझे कि आप मुझे कह रहे हो कि सर मुझे नहीं समझ में आया। आइए एक बार क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में बस थोड़ा सा अभी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करता हूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार और आपको बता दूँ कि इंग्लिश का शानदार क्वेश्चन बैंक, बहुत ही गजब का क्वेश्चन बैंक इस समय आपके पास अवेलेबल है और आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये प्राइज़ है, इससे कम प्राइस में आपको इतना बढ़िया क्वेश्चन बैंक नहीं मिल पाएगा। एक अपडेट बची हुई है जो 10 दिन में हो जाएगी। किसी को भी ये क्वेश्चन बैंक चाहिए हो प्लीज़ एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। जब भी आप इस क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा ना तो एक ऑनेस्ट रिव्यू डालिएगा कि सर ये क्वेश्चन बैंक का ऑनेस्ट रिव्यू है, मैंने इसको पढ़ लिया, मैंने ये पा लिया। और कंपेयर जरूर कीजिए, जरूर कंपैरिजन कीजिए। मैं जरूर कहूंगा कि आप मार्केट में जितने भी क्वेश्चन बैंक है उनसे जरूर कंपेयर कीजिए। यू विल फाइंड दिस अमेजिंग अ पीस ऑफ प्रोडक्ट, आप इसको बहुत ही गजब का प्रोडक्ट पाओगे कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, आइए। ठीक है, तो जब मनी होगा तब ले लीजिएगा। आ जाइए चैप्टर पे आते हैं। ठीक, ज्योति पाल, मोस्ट प्रोबेबली 45-50 पेजेस में शायद कवर हो जाए आपका क्वेश्चन बैंक, मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैंने करीब 15-20 पेजेस यूज किए हैं और 30 पेजेस और लगेंगे टोटल। आदर्श सोनकर, बिल्कुल स्वागत है बेटा। ठीक, आइए आइए, अब मैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन करता हूं। अबाउट द लेसन अगर मैं बोलूं तो अबाउट द लेसन ये है कि इस कहानी में डगलस बात करते हैं अपने फियर ऑफ वाटर को, और मैंने बताया है फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और कैसे वो फाइनली इसको ओवरकम करते हैं। ओवरकम का मतलब होता है हराना। वी शैल ओवरकम वन डे, आप एक गीत गाया होगा अपने स्कूल में। ठीक, विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, हार्डवर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। और कैसे पाते हैं? तो अपनी इच्छा शक्ति से, अपने साहस से, अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से। वो वंस ही टुक करेज, एक बार जब वो साहस दिखाते हैं, प्रॉमिस, वंस यू टुक करेज, एक बार जब आपने साहस दिखा दिया किसी चीज के लिए, योर फियर वैनिश्ड, आपका डर गायब हो गया होगा जरूर। द शो दिस शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस, और इससे पता चलता है कि हमारा जितना भी डर होता है ज्यादातर बेसलेस होता है। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन, फियर खतरा पैदा करता है जब वहां कुछ नहीं होता है। सर कोई भी बात नहीं होती तब भी केवल डर की वजह से हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। द राइटर एक्सपीरियंसेस फर्दर कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रुथ, और जो इनका अनुभव है वो एक बात साबित करता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहीं राह है, जहां चाह है वहीं राह है। सर जब जागो तभी सवेरा, इट इज नेवर लेट टू मेंड। आइए कहानी को मैं पढ़ता हूं, कोई भी बच्चा बीच में कमेंट नहीं करेगा, अगले 20-25 मिनट में मैं लगातार कहानी पढ़ता चला जाऊंगा। अंशी चौधरी, 30 का जब आधा करोगी तो 15 हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड मिला के आ जाओ। यह घटना है जब मैं 10 या 11 साल का था और मैंने निश्चय किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। एक पूल था YMCA याकिमा में जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता था।
याकिमा रिवर बहुत खतरनाक थी, प्रेचरस मतलब खतरनाक। मेरी माँ बार बार इसके खिलाफ वार्न कर रही थी और मेरे दिमाग में डूबने वाली घटनाओं को बार बार याद दिला रही थी, लेकिन मुझे पता था कि YMCA पुल सेफ था। केवल 2 या 3 फीट गहरा था एक तरफ और दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था। शैलो एंड मतलब जिस एंड पे हम पैर रखते हैं, छिछला वाला एंड जहाँ कम गहराई हो, और डीप एंड मतलब सबसे अंत वाला एंड। ड्रॉप जो था वो ग्रेजुअल था, अभी आपको समझाया है ऐसे। मैंने वाटर विंग्स का पेयर लिया और पूल में चला गया। मुझे कपड़े उतार कर पूल में जाना और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था, आई हेटेड। लेकिन मैंने अपने इस प्राइड को, कि मेरे अंदर घमंड था ना, इसको भी दबा दिया, क्योंकि मुझे स्विमिंग सीखनी थी। सबडू का मतलब होता है दबाना, हराना, कोई चीज को मतलब प्रेस कर देना। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत से ही मेरे अंदर पानी का डर था। फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे अंदर एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है हेट, घृणा। सर इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में सिनोनिम एंटोनिम में आ जाएगा। तो मेरे अंदर घृणा था पानी का, जब मैं इस पानी के अंदर था। ये कहानी शुरू होती है जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच में लेकर गए थे। हम लोग सर्फिंग कर रहे थे और तभी एक बड़ी सी लहर ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से चली गई। नॉक मी डाउन, नॉक मतलब गिरा देना। मैं पानी में दफन हो गया, बरी मतलब दफन होना। मेरी सांसें चली गई, मैं डर गया, फ्राइटेन मतलब डरना। मेरे पिताजी हंस रहे थे, लेकिन मेरे हर्ट में उन लहरों की ताकतवर ताकत का, ओवरपावरिंग इतनी ताकत का, मेरे अंदर टेरर बैठ गया कि ये लहरें कितनी ताकतवर हैं, और इसी वजह से मेरे अंदर इतना डर था। तब मैंने 10 साल में डिसाइड किया कि मैं YMCA पूल में सीखूंगा स्विमिंग, और ये जो YMCA पूल था बहुत सेफ था। लेकिन जैसे ही मैं YMCA पूल में गया स्विमिंग करने के लिए, मेरी अप्रिय यादें, अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय यादें, रिवाइव का मतलब होता है फिर से जीवित हो जाना। कोई पौधा सूख रहा था तो आपने पानी डालकर उसको रिवाइव कर दिया, मतलब जीवांत कर दिया, और मेरा जो बचपन का डर था उसको कुरेद दिया। थोड़े ही देर में मैंने कॉन्फिडेंस पा लिया था और मैं वाटर विंग्स के साथ पैडल मतलब छपाके कर रहा था, अन्य बच्चों को देखकर, उनको कॉपी कर कर। एप का मतलब होता है कॉपी करना, एक और वर्ड यहीं पे कहीं लिख लीजिएगा अपनी बुक में, एप मतलब टू कॉपी करना, एप से ही बना है एपिंग, कॉपी करना। और मैं 2 या 3 बार ऐसा हुआ, अलग अलग दिनों पे आया और ये सब कर रहा था और काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, फील एट ईज। आपसे क्लास में बोला जाता है, स्कूल में प्रार्थना कराई जाती है तो बोला है स्टैंड एट ईज, अटेंशन, तो अटेंशन मतलब सावधान, स्टैंड एट ईज मतलब एकदम रिलैक्स्ड होकर खड़े हो जाइए, स्टैंड एट ईज। तो एट ईज का मतलब होता है मतलब रिलैक्स्ड फील करना, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन तभी एक दुर्घटना, जिसको मैं मिस एडवेंचर अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो घटित हुई। और वो क्या हुई, हर एक चीज बहुत अच्छे से बता चुका हूं। मैं पूल में अकेले था, कोई वहां नहीं था, जगह बहुत शांत थी, पानी बहुत शांत था, बॉटम जो था वो टाइल वाला, वो एकदम सफेद था, एकदम बाथटब की तरह। लेकिन मैं अकेले जाने से घबरा रहा था, टिमिड मतलब डरना, टिमिड, आई वॉज टिमिड, एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ब नहीं है टिमिड, तो डरना नहीं बल्कि डरा हुआ था, डरा हुआ होना, टिमिड। इसीलिए मैं पूल के साइड पर बैठ के अन्य लोगों का वेट करने लगा, और तभी ये जो बिग ब्रूसर बॉय है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, ये आया। इसके चेस्ट पे थिक हेयर थे, बाल थे, और काफ़ी हट्टा कट्टा का तगड़ा था। और इसने मुझसे कहा, हेलो पतले, कैसा लगेगा अगर तुमको डक कर दिया जाए, डुबो दिया जाए पानी में तो। और सर मुझे उसने कुछ मौका ही नहीं दिया, विथ दैट, इसी बात के साथ उसने मुझे उठाया और गहरे एंड में टॉस कर दिया। सर टॉस का मतलब होता है उछालना, और मैं पानी में लैंड किया, लैंड मतलब उतरना, आई लैंडेड। देखिए लैंड का मतलब जमीन भी होता है, लैंड मतलब जमीन, तब तो ये क्या हो गया, भूमि, जिसको आप बोलते हो नाउन हो गया, लेकिन लैंड का मतलब उतरना भी हो जाएगा, जमीन पे उतरना, स्पेशली जमीन पे, किसी जगह पे उतरना, लैंड करना, प्लेन लैंड कर, हमारा मिशन गया था वो चंद्रयान, लैंड कर गया था। तो आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं एकदम सिटिंग पोजीशन में लैंड किया। हालांकि मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैं डरा हुआ था बट इतना नहीं कि मेरा दिमाग नहीं कर रहा था काम, आउट ऑफ माई विट्स, ये भी आपके पेपर में आ जाएगा। If you are out of your wits, it means your mind is not working. You have no clue. आपके पास कोई clue नहीं है। जब मैं नीचे जा रहा था, on the way down, I plan, मैंने strategy बनाई। और सर ये बहुत important strategy है कि जब मेरे पैर bottom को hit करेंगे, when my feet hit the bottom,
आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा, कम टू द सर्फेस, सर्फेस पे आऊंगा, लाइफ फ्लैट ऑन इट, लेट जाऊंगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। मेरे साथ बोलिएगा एक बार फिर से, सभी बच्चे बोलेंगे, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी? आई प्लान्ड, आई मेड अ स्ट्रेटजी, एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? व्हेन माय फिट हिट द बॉटम, आंखें बंद कीजिए और बोलिए, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, व्हेन माय फिट हिट द बॉटम, आई वुड मेक अ गुड जंप, मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा। सबको बोल रहा हूं, सब आंख बंद करो, क्यों आंख देख रहे हो खोल के? व्हेन माय फिट हिट द बॉटम, आई वुड मेक अ गुड जंप, मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा, कम टू द सर्फेस, छलांग लगाऊंगा तो सर्फेस पे आ जाऊंगा, सर्फेस पे फिर लेट जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैडल करता हुआ पुल के एज तक आ जाऊंगा। सर ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो 9 फीट बहुत लंबा लगा, कितने का? 90 का। और इससे पहले मैं बॉटम टच करता, सर मेरे फेफड़े फटने वाले थे, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, ये भी वर्ड ध्यान रखिए। क्यों सर? टायर क्या करता है? बर्स्ट कर जाता है। सर क्या जरूरत है इस वर्ड को ध्यान रखने की? मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ब की तीनों फॉर्म सेम होती है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जब मेरे पैर बॉटम को हिट किए, मैंने अपनी पूरी ताकत बुलाई, समन का मतलब इकट्ठा करना, बुलाना, और मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। मैंने इमेजिन किया कि मैं सरफेस पे निकल कर आऊंगा, बॉब का मतलब निकल कर आना, निकल कर आना, कैसे? कॉर्क की तरह, कॉर्क मतलब ढक्कन, कौन सा ढक्कन? अरे कई सारे पानी की बॉटल्स होते हैं, जैसे आप देखो पानी का बॉटल अगर हवा भरा हो, उसको डुबो और जैसे छोड़ो बहुत तेज ऊपर आएगा, उसी तरह मुझे लगा मैं आऊंगा, बजाय इसके इंस्टीड आई केम अप स्लोली। मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। पानी कैसा पानी? जिसमें येलो टिंज था, येलो टिंज, टिंज मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर, येलो कलर था। मैं थोड़ा घबराया, मैंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं तो मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था पानी में। ये देखिए, ये डर वही फील कर पाएगा कभी अपने आप को ना, हल्के गहरे पानी में, इतना नहीं कि डूब जाओ, इतना कि बस डर लगे, पैर ऊपर नीचे हो रहा हो, थोड़ा सा पैरों के टो पे आओ तो आप बाहर आ पाओ, या किसी को अपने पास रख लो और तब पानी में कूदो, देखो ये डर अपने आप आ जाएगा। आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर। मैंने सोचा कि मैं रस्सी पकड़ लेता हूँ, मुझे केवल पानी हाथ में आया। मैं सफोकेट कर रहा था, मैं चिल्लाने की, एल का मतलब होता है चिल्लाना, बहुत कॉमन वर्ड है एल करना, स्क्रीम करना बहुत ज्यादा आएगा, शाउट करना, ध्यान रखिएगा। बट नो साउंड केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। मैं बहुत छटपट आया पानी के सरफेस पे। फ्लेल मतलब फेल नहीं है, फ्लेल है, देखिए होता है फेल, फेल मतलब फेल होना, और ये फ्लेल, एल को आगे कर दिया, फ्लेल। मैं बहुत छटपट आया, पानी घोटा और चोक कर गया। मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो मरे हुए पत्थर की तरह बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे, मेरे पैर भी नहीं काम कर रहे थे, एकदम रिजिड हो गए थे, कुछ भी नहीं काम कर रहे थे। एक बड़ी सी ताकत मुझे अंदर खींच रही थी, स्क्रीम, चिल्लाया, अभी बताया था आपको, लेकिन पानी ने बस मुझे सुना, कोई और था ही नहीं वहां पे, और मैं वापस से पूल के बॉटम में जाने लगा। मैं पानी पे हाथ पैर मारने लगा अपनी पूरी ताकत से, और तब मुझे वो रात वाला सपना आया जिसमें मैं इररेजिस्टिबल फोर्स से लड़ाई करता हूँ, इररेजिस्टिबल फोर्स जिसको रोका ना सके। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक रात में सपना आता होगा जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भूत है जो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप अपने हाथ पैर को मूव करना चाह रहे हो बट वो मूव नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। मैं अपनी सांसें खो चुका था, मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था, मेरा सर बज रहा था, मैं बेहोश हो रहा था, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी याद थी, और स्ट्रेटजी थी कि मैं छलांग लगाऊंगा पुल के बॉटम से, सरफेस पे आऊंगा, फ्लैट लेट जाऊंगा, और फिर अपने हाथ पैर मारता हुआ और मैं पुल के एज तक आ जाऊंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। मैं एक बार फिर नीचे गया, आई वेंट डाउन, मैं दोबारा नीचे गया, एंडलेसली नीचे ही जाता चला गया। मैंने अपनी आँखें खोली, मुझे केवल पानी दिखाई दिया, एक ऐसा पानी जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, डार्क वाटर। और तब वो जो टेरर था, कंप्लीट टेरर, इसने मुझे पकड़ लिया, टेरर जो कुछ नहीं जानता है भाई, वो भय जिसको कुछ नहीं पता कि इनको क्या होने वाला, उसने मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिसका कोई कंट्रोल नहीं, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट। और ये वो टेरर था जिसको वो कोई बता ही नहीं सकता जिसने एक्सपीरियंस ना किया हो। अगर आपने ये पानी का डर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप इस टेरर को कभी समझ ही नहीं सकते हो। मैं श्रीक कर रहा था, चिल्ला रहा था पानी के नीचे, मैं पैरालाइज था सर, लेकिन मैं एकदम रिजिड हो गया था।
जो मेरे गले की थ्रोट की आवाज थी वो भी जम गई, केवल मेरा हर्ट और मेरे सर में जो धम धम की आवाज हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। और तभी मेरे अंदर फिर से एक रीजन आया मेरे दिमाग में, एक कारण कि मुझे जंप करना याद रखना है, स्ट्रेटजी। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फाइनली मैं इतना नीचे चला गया कि मुझे टाइल्स फील हो रहे थे। मैंने पूरी कोशिश की उनको ग्रैब करने की, ग्रैब का मतलब होता है ना कोई चीज को पकड़ना, तो अपने पैरों के टो से, उंगलियों से मैंने जंप किया, लेकिन उस जंप से कुछ नहीं हुआ। पानी मेरे चारों तरफ था, मैं रस्सी के लिए, सीढ़ी के लिए, वाटर विंग्स के लिए देख रहा था, केवल पानी ही पानी था। एक येलो वाटर, उसने मुझे और अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज हो। मैं हिला कांपा डर से, लेकिन मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, मेरे पैर मूव नहीं कर रहे थे। मैं मदद के लिए चिल्लाया, मैं अपनी माँ को चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तभी अचानक से देयर वॉज लाइट, मैं उस येलो पानी के बाहर आ रहा था, मेरी आंखें बाहर आ रही थी, मेरी नाक लगभग बाहर थी। और तब मैं तीसरी बार नीचे गया, मैं हवा के लिए सक्ड किया, सांस लूंगा, मेरे मुंह में पानी चला गया। सर हर तरह से मेरा सारा प्रयास रुक गया, और तब मेरे पैरों में कोई एनर्जी नहीं थी, लिंप मतलब विदाउट एनर्जी, और एक अंधेरा मेरे ब्रेन में छा गया। इसने मेरे डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सर ये जो लाइन लिखी है ये उस समय की लाइन है जब कोई मर रहा होता है, स्पेशली पानी में डूबकर या आपकी सांसें रुक रही होती है। तो इट वाइप्ड आउट माय फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरे अंदर से सब डर खत्म हो गया। एक अंधेरा मेरे सर पे छा गया, कोई घबराहट नहीं, सब कुछ शांतिपूर्ण था, कुछ भी डरने वाली बात नहीं। देयर इज नाइस टू बी ड्राउजी, बहुत अच्छा लग रहा था कि डूब जाऊं, सो जाऊं, कोई जंप करने की जरूरत नहीं। मैं थक चुका था कूद कर, अब चुपचाप बहना चाह रहा था आराम से इसी स्पेस में। मेरे आसपास कुछ टेंडर आर्म्स थे, जैसे कि मेरे माँ के हाथ हो। मैं बस सोना चाहता था, मैं एकदम अनजान हो गया था। जीवन का पर्दा फैल मतलब गिरना। और तब मुझे अगला पल याद आता है कि मैं पेट के बल पूल के बगल में उल्टी करता हुआ लेटा हुआ था, बिसाइड मतलब के बगल में। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बिसाइड और बिसाइड्स क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बिसाइड मतलब बगल में और बिसाइड्स मतलब किसी चीज के अलावा। उस बदमाश लड़के ने, चैप ने, जिसने मुझे फेंका था थ्रो थ्रू ट्रेन, वो कह रहा था अरे मैं तो केवल मजाक कर रहा था। किसी ने कहा बच्चा लगभग मर गया था, चलो अब सब कुछ सही है, इसको ले चलते हैं लॉकर रूम में। सर कहानी के चार पार्ट खत्म हो गए, 5, 6, 7 तीन पार्ट बचे हैं। बताइएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वेलकम अंशी चौधरी और अश्मिता, आपसे पढ़ाई करके इंग्लिश बहुत इंप्रूव हुई है पहले से। ऐसा नहीं है कि मुझसे पढ़ाई करके, आपने रेगुलर पढ़ाई की है। हाँ ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो सर 30 दिन के अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। 20 दिन 25 दिन 30 दिन लगातार आप पढ़ाई करो, आपको वो फर्क नजर आएगा। ये नहीं कि आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा वो इंप्रूवमेंट कि सर ये इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर याद करता हूँ लेकिन कुछ समय के बाद पेपर देने जाता हूँ तब भूल जाता हूँ। लिख कर प्रैक्टिस करिए, अगर भूल रहा है तो लिख कर प्रैक्टिस करिए, जो कुछ भी आपने पढ़ लिया उसको लिख कर प्रैक्टिस करिए। रोहित कुमार आज पहले दिन क्लास में है इसीलिए शायद ये बात कह रहे हैं कि सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, मजा आ गया। रोहित बाबू आप हर दिन आइए, आपको हर दिन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये लाइन आपको कहने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये लाइन मेरी क्लास में नहीं बोली जाती है। आइए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। किसी के कमेंट को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ विश्वजीत, आप बताइए आपका क्या कमेंट है, ऐसा कौन सा कमेंट किया आपने? मुझे तो कोई कमेंट नहीं दिख रहा है।
आपने कोई कमेंट किया ही नहीं है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा, छठवां और सातवां पार्ट। पांचवे पार्ट में वो कुछ दिन तक रोते हैं, उनको ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है वाटर की जो उनसे छूट जाती है। कुछ घंटे बाद मैं घर गया, मैं बहुत कमज़ोर था, कांप गया था, मैं हिल गया था, मैं रो रहा था बिस्तर पर बैठ के। मैं उस रात कुछ नहीं खाया और दिनों तक ये डराने वाला डर, हॉन्टिंग फियर, डराने वाला डर मेरे हर्ट में था। थोड़ा सा भी मैं प्रयास करता था तो मैं अपसेट हो जाता था, मैं हिल जाता था अपने घुटनों में और मेरे पेट में कुछ अजीब सा होता था। मैं कभी पूल में नहीं गया, जहाँ कहीं भी हो सकता था मैंने पानी को अवॉइड किया। कुछ साल बाद मुझे ये पता चला जब मैं पानी में आया, जब भी मैं पानी में जा रहा था, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर या वार्म लेक या गोट रॉक्स, कहीं भी गया, ये सब जगह के नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये जो टेरर था जिसने मुझे पकड़ रखा था वो 10 साल की उम्र में, सर वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कंप्लीटली। इसने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था, मेरे पैर एकदम पैरालाइज हो गए थे और इस आईसी हॉरर ने, एक खतरनाक डर ने, ग्रैब मतलब पकड़ना, एक बार और आया फिर से, इसने मेरे हर्ट को कैप्चर कर लिया, मतलब मैं पूरी तरह से हिल गया था अंदर से, इतना ज्यादा ये डर मेरे अंदर बैठ गया था। कहीं भी जाता था, कहीं पानी में जाता था, मुझे दिक्कत होती थी। और ये हैंडीकैप, ये जो लकवा था, ये जो हैंडीकैप था, ये जो मेरे साथ परेशानी थी, ये सालों तक बनी रही। जब भी मैं कहीं गया, चाहे मछली पकड़, ये सारे मछलियों के नाम है अलग अलग, सैल्मन, बास फिशिंग, न्यू हैम्पशायर प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, एक जगह के नाम है, और ये प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, बम्पिंग लेक, ये कैस्केड, सब प्रॉपर नाउन है, ये कोलंबिया प्रॉपर नाउन है। इन जगहों पे जब मैं मछली पकड़ने गया अलग अलग तरीके की, जहां भी मैं गया, ये जो डराने वाला, द हॉन्टिंग फियर, डराने वाला जो डर था, इसने मेरा पीछा किया, फॉलोड मी। सर इसने मेरे मछली पकड़ने के मजे को खत्म कर दिया, इसने मुझे बोट चलाना, कुन्नू करना, कुन्नू भी नाव चलाना है, या स्विमिंग करना, इन सब से मुझे डिप्राइव कर दिया, यानी कि वंचित कर दिया। मुझे बहुत दिक्कत हुई और तब छठे पार्ट में मैंने डिसाइड किया, मैंने सब तरीका अपना लिया था इस फियर को पार पाने का, ओवरकम मतलब पार पाना, लेकिन इसने मुझे अपने ग्रिप में, ग्रिप मतलब होती है पकड़, ग्रिप तो सुना होगा ना, बैट की ग्रिप। और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इंस्ट्रक्टर बुलाऊंगा और स्विमिंग करना सीखूंगा। और फाइनली मैंने उस इंस्ट्रक्टर की हेल्प से बिट बाय बिट जो डर था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। विश्वजीत 6 नंबर वाला पढ़ा रहा हूं, देखो ये आ गया 6 नंबर वाला। फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया और स्विमिंग करना सीखना शुरू किया। मैं पूल में गया और हफ्ते में 5 दिन हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस किया। जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक बेल्ट मेरे चारों ओर लगा दिया, एक रस्सी मेरे बेल्ट से गई, ए पुली दैट रैन ऑन अ ओवरहेड केबल, और एक पुली थी जो कि एक ऊपर के केबल से होकर जा रही थी। एक रस्सी का पार्ट उसने पकड़ लिया और एक रस्सी जो मेरे कमर में बंधी हुई थी उससे मुझे उसने पूल में आगे पीछे करने दिया। और घंटे बाद, हर घंटे बाद, हर एक दिन बाद, हर एक हफ्ते बाद, ऐसा उसने धीरे धीरे करके मेरे डर को खत्म किया। हर ट्रिप पे जब मैं पूल के इस तरफ से उस तरफ जाता था तो वो पैनिक, वो जो घबराहट थी वो मुझे पकड़ती थी, सीज करती थी। हर बार इंस्ट्रक्टर क्या करता था, उसने क्या किया था, मैं आपको यहां से फिगर बना के समझा देता हूं। एक बार मान लीजिए ये एक नॉर्मल स्विमिंग पूल है, तो यहां एक ओवरहेड केबल से एक रस्सी उसने पकड़ ली थी और इस रस्सी को लेकर विलियम डगलस के कमर में बांध दिया था और फिर उनको यहां से वहां तक जाने देता था। समय समय पे वो रस्सी को छोड़ता था, विलियम डगलस पानी के अंदर आते थे, घबराते थे, फिर वो रस्सी ऊपर खींच लेता था, वो पानी के ऊपर आ जाते थे। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स, ढीला करता था रस्सी को और मैं पानी के अंदर जाता था और वो पुराना डर वापस आता था और मेरे पैर जम जाते थे। लगभग 3 महीना लगा जब ये टेंशन बिगेन टू स्लैक, कम होना, ये टेंशन था थोड़ी खत्म हुई मेरे। मैं पहली बार अब फील किया 3 महीने बाद, अरे यार ये डर नहीं है, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो सबसे पहले 3 महीने में केवल डर खत्म किया। सर किसी चीज को सीखने में टाइम लगता है। अगर आप ये चाहोगे कि सर मैं 10 दिन में सारी चीजें सीख लूं, 5 दिन में सारी चीजें सीख लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। यू हैव टू गिव योर प्रीसियस टाइम, आपको अपना बहुमूल्य समय उसके लिए देना पड़ेगा।
देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस. देखिए पहला उसने डर खत्म किया मेरा, दूसरा उसने क्या किया मुझे पानी के अंदर एक्सहेल करना और पानी के ऊपर नाक निकालकर इनहेल करना. सर जब आप स्विमिंग सीखोगे तो ये एक तरीके हैं जो आपको सीखना ही पड़ेगा कि कब सांस छोड़ना है और कब सांस लेना है. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times और धीरे धीरे कर कर ये डर खत्म हो गया जिसने मुझे पकड़ रखा था. जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था मेरे अंदर से अब ये डर धीरे धीरे खत्म हो गया. अगला उसने क्या सिखाया, दो काम हो गया. तीसरा उसने मुझे पैर चलाना सिखाया. सर अगर पैर चलाना नहीं आएगा स्विमिंग नहीं आएगी. ये सब एक एक पार्ट है. सबसे पहले आपके अंदर से डर खत्म होना चाहिए, पानी का डर. दूसरा आपको सांस लेना और सांस छोड़ना आना चाहिए. तीसरा आपको पैर किक करना आना चाहिए. बहुत लोगों का अपने पानी में से छप 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 करेंगे तैर नहीं सकते. पैर की किकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो देन ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. और कैसे पैर की किकिंग की जाती है आपको मैं बताऊं. आपको कभी भी कहा जाएगा, जो भी आपका वहां पे ट्रेनर होगा वो कहेगा पूल के किनारे आइए, पानी के ऊपर फ्लोट करिए और पैर को चलाइए, तो आपकी किकिंग आने लगेगी. ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स फॉर वीक्स. आई डिड जस्ट दैट. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. पहले तो मेरे पैरों ने काम करना मना कर दिया. देन ग्रेजुअली रिलैक्स्ड. लेकिन धीरे धीरे मैं रिलैक्स फील किया और फिर मैं अपने पैरों को भी कमांड करने लगा. और इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर कर, देखिए एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, पीस बाई पीस उसने मुझे स्विमर बनाया. जब उसने सारे पीस को परफेक्ट कर लिया, उसने पैर चलाना भी सिखा दिया, सांस लेना छोड़ना भी सिखा दिया, पानी का डर भी खत्म कर दिया, फ्लोट करना सिखा दिया, इन सब को एक साथ रखा और प्लेयर में कहा कि अब चलो तुम एक बार अपने आप से स्विम करो. बेल्ट उतार दिया और कहा आप स्विम करो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. क्रॉल स्ट्रोक आई डिड. मैंने कर दिया, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया. लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ. मेरे अंदर अभी भी डर था, मेरे अंदर अभी भी डाउट था. आई स्टिल वंडर If I would be terror striking when I was alone in the pool. मुझे लगा कि वो डर फिर से आ जाएगा जब मैं अकेले पूल में होऊंगा. मैंने प्रयास किया. I swam the length up and down. वो जो अवशेष थे वेस्टिजेस छोटे छोटे उस पुराने डर के वो वापस आए. लेकिन मैंने उनको अपनी भौहें चढ़ाकर कहा कि मुझे डराने की कोशिश करते हो, ये लो. और मैं फिर से पूल पार कर गया, यानी कि स्विमिंग पूल जो था वो क्रॉस कर गया. ये सब जुलाई तक चलता रहा. जुलाई तक मैं पूल में खूब तैरा, खूब तैरा. और वो पूल में जितना डर था, पानी का जितना डर था, पूल में मुझे अब कोई भी डर नहीं लग रहा था. अब मैं पहुंचा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था. अब ये देखिए, ये हो गया छठा पार्ट. अभी ये पांचवा था ट्रेनर वाला. अच्छा वो बच्चा विश्वजीत जो बोल रहे थे, छठा पार्ट ही है. मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैं आपको जिस तरह से चीजें बोला था बिल्कुल वैसी ही है सारी चीजें. छठा पार्ट क्या है कि मैं लेक वेंटवर्थ में गया, 2 मील की दूरी कवर किया लेक वेंटवर्थ में जाके. आइए देखिए, मैं सेटिस्फाइड नहीं था. मुझे लग रहा था कि अभी भी डर है, तो मैं लेक वेंटवर्थ में गया. न्यू हैम्पशायर, ये जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है. देखिए कभी भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो कैपिटल लेटर लिखते हो, अगर बीच में कहीं ऐसा लिखा है तो समझ लीजिए कि वो किसी स्थान का, वो प्रॉपर नाउन है, कोई यूनिक नाम है. और मैं वहां ट्रिगी आइलैंड से छलांग लगा दिया और 2 मील की दूरी कवर किया. कहां तक गया, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक. मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड, बैक सारे स्ट्रोक लगा दिए. एक बार बस वो डर आया जब मैं लेक के मिडिल में था. मैंने अपना चेहरा अंदर किया, मुझे केवल बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था. वो जो ओल्ड सेंसेशन था, वो पुराना डर था, वो बहुत कम मात्रा में, मिनिएचर मतलब बहुत कम अमाउंट में लौट के आ गया. मैं हंसा और कहा, ओह मिस्टर टेरर, तुमको क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो. और फिर वो भाग गया और मैं तैर कर बाहर आ गया. फ्ली मतलब होता है कहीं से भागना. सर फ्ली, फ्लेड, फ्लेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ध्यान रखिएगा. अभी भी मेरे अंदर कुछ डाउट रह गए थे. ओह लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, बट आई विल मैनेज. नहीं है, है, मुझे लगा था पेज खत्म हो गया. आ जाओ, अभी भी मेरे अंदर रेजिड्यूअल डाउट था. ये 7वां पार्ट है. छठा पार्ट समझ में आ गया आप ना विश्वजीत. अनमोल यादव, बिल्कुल ग्रामर स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा भाई. देखो तो अभी भी मेरे अंदर रेजिड्यूअल डाउट था. और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं वेस्ट की तरफ कोनार्ड मीडोज से होता हुआ कोनार्ड क्रिक ट्री से होता
ट्रेल से होता हुआ मीएड ग्लेशियर से होता हुआ सीधे पहुंचा वार्म लेक पे। ये सारे जगह के नाम है, इन जगहों से होता हुआ। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, लेक में छलांग लगाई और दूसरे किनारे तक चला गया, ठीक वैसे ही जैसे डग कॉर्पन करते थे। अब ये कौन है भैया? ये कोई है जो वहाँ पे स्विमिंग किया करते थे, इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है, बट ये डग कॉर्पन थे जो वहाँ पे स्विमिंग करते थे। तो डग कॉर्पन ऐसा किया करते थे। मैं चिल्लाया खुशी से और गिलबर्ट पीक से मेरी आवाज़ लौट कर आई। मैंने फाइनली अपने डर को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। ये जो अनुभव था इसका बहुत गहरा मीनिंग था मेरे लिए। सर मेरे लिए क्यों? हम सबके लिए बहुत गहरी मीनिंग है। सोचिए जो लड़का पहले बचपन में एक बार 3-4 साल की उम्र में पानी का डर आया, 10 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बच गया, फिर वो उसने ट्रेनिंग सीखी तब भी उसको थोड़ा बहुत डाउट था, इतनी हिम्मत दिखाई कि जब वो स्विमिंग सीख गया था तो चाहता तो वहाँ पे भाई काम चलने भर का तो ही गया था। उसे कहा नहीं भाई, मुझे अपना डर पूरी तरह से ख़त्म करना है, और वो कूद गया सीधे लेक वेंटवर्थ में जाकर, ठीक है। और वहाँ पे भी कुछ डाउट रह गया था, रेजिड्यूअल डाउट, तो चला आया वार्म लेक पे। और फाइनली जब वो वार्म लेक में तैर लिया तब उसको लगा कि हाँ अब मेरा डर खत्म हो गया। इसका बहुत गहरा मीनिंग था, क्योंकि ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस टेरर को देखा हो और कॉन्कर किया हो। सर सब लोग इस पानी के डर को नहीं समझ सकते। जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो सब लोग उसको नहीं जानते। जैसे मैं कोई संघर्ष करके कोई चीज़ पाऊँ तो सब उसको नहीं समझ सकते हैं, वही लोग उस बात को समझ सकते हैं जिन्होंने उसको अनुभव किया हो और वो रास्ते से गुजरे हों। मौत में तो बड़ी शांति है, लोग कहते हैं ना बस मौत आ जाए यार, पता ना चले, घबराहट ना हो। वो पता, वो डर जब पता चल जाए कि मौत होने वाली है तो सच वो डर कैसा होता है। तो डेथ में तो शांति है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर में आतंक है। और रूजवेल्ट ने ये बात जब कही थी तो वो जानते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो भी हमें डर होता है वो डर से ही होता है। मैंने तो सब कुछ एक्सपीरियंस किया दोनों, वो डरने का भी, मौत का भी जो अनुभव था और वो जो उसका डर था, लेकिन मेरे अंदर जीने की इच्छा उस विल से आ गई, वो जो इंटेंसिटी थी कि मुझे जीना है वो मेरे अंदर आई कि नहीं नहीं मुझे बचना है बचना है, तभी मैं बच गया, नहीं तो शायद मैं मर गया होता। एट लास्ट आई फील रिलीज, मैं काफ़ी रिलीज फील किया, काफ़ी बेहतर महसूस किया। मैं कहीं भी जा सकता था, कहीं पीक पे चढ़ सकता था और अपने डर को किनारे कर सकता था, और मैंने किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल मतलब हो गया उन रास्तों पे चलना, क्लाइंब द पीक्स चोटियों पे जाना, टू ब्रश असाइड फियर और अपने डर को किनारे करना। आशा करता हूँ कि आज ये जो डीप वाटर का थोड़ा भी डाउट रह गया होगा तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। 8:15 पे आपकी हिंदी की क्लास है, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चे, 8:15 पर आपकी हिंदी की क्लास है। अभी आप बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को कैसा लगा? राजकरण बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया हूँ मैं भाई। क्यों आपने मैसेज हटा दिया? पढ़ तो लिया मैंने आपका मैसेज, बताइए कितने लोगों को डीप वाटर चैप्टर क्लियर हो गया, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो उनको लिटरेचर में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, अब ग्रामर ही बचा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक महीना मुझे दीजिएगा ग्रामर का, एक महीना, उससे पहले आप केवल ट्रांसलेशन कवर करके आइए। मॉर्निंग में केवल इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी, हिंदी की क्लासेस में भी कुछ प्रॉब्लम है तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती हिंदी क्लासेस नहीं चलेंगी। ऑल क्लियर, थैंक यू। हाँ देखिए ये बशरा फलक है, शायद इनका नाम मैं सही से ना ले पा रहा हूँ, बट इन्होंने बहुत सारी क्लासेस पुरानी कवर की। मैं कह रहा था ना कि बहुत सारे बच्चों ने पुरानी क्लासेस कवर की है, छुट्टी का इन्होंने बहुत यूज किया है, बहुत अच्छी क्लासेस कवर की है। क्लियर है बहुत ज़्यादा। आस्था मिश्रा कह रही है सर डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं होंगे भाई, हम मैं क्यों कहता हूँ कि आपको ये जगह सबसे अलग फील होगी। हम आपसे यहाँ बात करने का यहाँ पे नहीं पढ़ाते कि बैठ के खूब बात कर रहे हो आपसे, ये बिल्कुल आपको एक बहुत ही अलग जगह मिलेगी। सर क्वेश्चन बैंक कंप्लीट नहीं किया, नहीं एक अपडेट बाकी है ज्योति पाल, एक अपडेट बाकी है, बहुत जल्द वो अपडेट हो जाएगा, 10 दिन के अंदर वो अपडेट हो जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा और उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया डॉक्टर सूफिया, कोई बात नहीं राजकरण सर। 7th वाला एक बार और बता दीजिए बेटा, एक बार रिवाइज कर लेना सौम्य, इतनी बार बता चुका हूँ, अभी 8:15 से क्लास है ना, 5 मिनट और अभी तो क्लास कर लेना। हाँ कल द टाइगर का वन शॉट कराइए, द टाइगर किंग का करा दें, मैं द रेड ट्रैप सोच रहा था, कल द रेड ट्रैप सोच रहा हूँ मैं।
हाँ अब सारी क्लासेस चलेंगी इंग्लिश की। हाँ क्वेश्चन बैंक आप लीजिए, बिल्कुल ज्योतिपाल आप अभी लीजिए, आपको एक ही बार अमाउंट पे करना है। अगर मेरे जो पुराने बच्चे भी हैं इस समय बैच में लास्ट ईयर के भाई, उन्होंने भी बहुत सारा फायदा उठाया है, तो मैं जरूर चाहूंगा, उनसे मैंने प्रॉमिस भी किया था कि इस ईयर क्वेश्चन बैंक निकाल दूंगा, तो ये क्वेश्चन बैंक आ गया है। जो भी आपके आसपास के बच्चे उन तक शेयर कीजिए, बहुत कम प्राइस में है, एंड प्लीज गिव योर ऑनेस्ट रिव्यू, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। अगर आपको बेहतर लगता हो तो जरूर बताइए, कोई कमी हो, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही हो, सबसे अच्छी बात है कि आप इस नंबर पर तुरंत कॉल मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन बैंक में इस जगह पर थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। मॉर्निंग में 5 बजे इंग्लिश चलती है, इंग्लिश चलेगी कल 5 बजे। ज्योतिपाल बिल्कुल ले लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, कल द रेट रैप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतने प्यार से पढ़ते रहे। नहीं यार, इस क्वेश्चन बैंक पे क्या ऑफर रहेगा आप खुद सोच के बताओ। ऑलरेडी इट इज 65 रुपीज, 65 रुपए है, इस पे क्या ऑफर लगा दो क्वेश्चन बैंक में। कोई आपको 60 रुपए में क्वेश्चन बैंक दे रहा होगा 65 रुपए में, जरा पता कर लो, कोई भी दे रहा हो तो। टाइगर किंग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, टाइगर किंग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। हाँ देखिए, राजकरण ने मेरा वो टाइम देखा है, स्ट्रगल वाला टाइम, कह रहे हैं कि हम लोग तो 12-13 रहते थे, अभी 50 बच्चे हैं। बिल्कुल राजकरण, तो भाई अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे डीप वाटर, यही तो है कि आप मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ, कभी सिंगल टाइम मैं नहीं बोलता हूँ कि भैया आप ये करिए वो करिए, मेरा काम है पढ़ाना। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर बेहतर होगा तो बच्चे आज नहीं तो कल आएंगे पढ़ने, ठीक है। जिनको लगेगा भाई, जिनको वो एफर्ट जो देना चाहेंगे वो देंगे। ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करिए, आपको करा रखा है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन वाली जो क्लास करा रखी है उसको करिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक। कल मॉर्निंग में क्लास चलेगी, और शायद मॉर्निंग में मैंने आपको टाइगर किंग बोल रखा है कल कराने के लिए, या जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ करा देंगे, कोई भी करा देंगे, ठीक है। कल आपकी शाम में क्लास होगी द रेट रैप की, कल वन शॉट रिवीजन रहेगा द रेट रैप। आयुष करण जी बहुत सारा आपको धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि ऐसा हो भाई, बिल्कुल हो, प्यार मिले आप लोगों का। लिखने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप सबसे पहले ट्रांसलेशन की क्लास कवर कीजिए, ठीक है, और वहाँ से धीरे धीरे चीज़ों को कवर कीजिए, ठीक। आशा करता हूँ कि आप सब ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, 8317071156 पे आप एक बार मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप करिए 8317071156 पे, वहाँ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई कुछ कहना चाहता है एक आखिरी बार, तो मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ कहना हो तो बताए। सर ग्रामर क्लास नेक्स्ट वीक से, मंडे से गुंजा बेटा, नेक्स्ट वीक मंडे से आपकी ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो रही है, एकदम क्लियर है, नेक्स्ट वीक मंडे से आपकी ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो रही है। और कुछ, मंडे से हमारा ग्रामर सेशन स्टार्ट हो रहा है अब, और किसी को कुछ भी पूछना है। सर ग्रामर का क्वेश्चन बैंक अलग से होगा? नहीं बेटा, आस्था आपको इसी में अपडेट मिलेगा, आप दोबारा डाउनलोड कर देना, आप दोबारा डाउनलोड करना तो ग्रामर आपको मिल जाएगा। देयर विल बी नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 65 रुपीज बहुत ही कम अमाउंट है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन बैंक के बारे में बताऊंगा जैसे ही अपडेट हो जाएगा, तब, अभी नहीं कुछ बोल रहा हूं मैं। मोहिनी बेटा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत सारी बधाइयां आपको मेरी तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से। हाँ अश्मिता, क्वेश्चन बैंक बिल्कुल पढ़ाऊंगा लास्ट में, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बैंक ही कराऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा कि आपको एक एक चीज कवर कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आस्था आप अपना एड्रेस मुझे 8317071156 पे मैसेज करो, आई विल टेल यू कि इज इट पॉसिबल टू डिलीवर इट और नॉट, इसको पॉसिबल है कि नहीं डिलीवर करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिसको भी चाहिए होगा तो, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है, जिसको जाना है वो जा सकता है,
आकाश गौर प्रिंट आउट आपको 25 से 30 के बीच में मैं प्रिंट आउट अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप कम से कम 4 से 5 ऑर्डर करोगे, ठीक, 3-4 लोग का ऑर्डर हो ताकि मैं इजीली अवेलेबल करा पाऊँ, मुझे भी नुकसान ना हो आपको भी नुकसान ना हो, ठीक है। आप अपना एड्रेस बस भेज देना। और कुछ चले फिर, अनमोल यादव ग्रामर नेक्स्ट वीक मंडे से, आ जाओ आकाश गौड़। अगर आप देवरिया से हो तो बिल्कुल मिलिए, दशहरा के बाद आप मिलिए, आपको यहाँ सामने से आपको मिल जाएगा। और भी जो देवरिया के बच्चे हैं उनको बताइए, जय माता दी सभी को, ठीक है। चलिए तो अभी बस 4 से 5 मिनट में आपकी इंग्लिश क्लास चालू हो जाएगी, ट्रांसलेशन की क्लास। रोहित कुमार 8317071156 पे आप व्हाट्सएप करो, आपको प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। सभी को जय माता दी, राधे राधे, बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। कल शाम में 7 बजे इसी जगह पर मैं आपको वेट करूंगा एक नए चैप्टर, एक नए वन शॉट के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।